हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? वेलकम टू माय चैनल राशि विनोद ब्लॉग। आज मैं आपके लिए एक ऐसी चीज लेके आई हूँ जो आप सभी को ही फायदा करेगी, क्योंकि सर्दियों में अक्सर लेडीज के या जेंट्स के भी सबके हाथ रूखे ड्राई इस तरीके से हो जाते हैं। स्पेशली लेडीज जो बर्तन वगैरह मांजती करती हैं, तो उनके थोड़े से ही बर्तन धोने में या फिर कपड़े धोने में उनके हाथ इतने ड्राई और छिल से जाते हैं, कट से जाते हैं, बहुत सारे निशान हो जाते हैं हाथों में। तो वो ये इस प्रॉब्लम से मैं खुद बहुत परेशान थी, मुझे बहुत ही प्रॉब्लम होती थी। मैं इन हाथों से कोई काम नहीं कर सकती थी, सर्फ का वगैरह, मैं बहुत परेशान हो गई थी। मुझे समझ में नहीं आता, मैं क्रीम वगैरह लगाती, थोड़ा सा फ़ायदा होता, वापस से हो जाता था मुझे। लेकिन मुझे एक ऐसा अचूक इलाज मिल गया है जिसकी वजह से ये मुझे इतना फ़ायदा हुआ है, मैं खुद आपको बता नहीं सकती। इसीलिए मैं आपके साथ ये शेयर करना चाहती हूँ साथ में कि भाई कितना फ़ायदा होता है इससे। आप भी प्लीज़ ना अपने हाथों में अप्लाई करें और इसका फ़ायदा उठाएं। कुछ नहीं है, बिल्कुल सिंपल सा इलाज है, घरेलू नुस्खा है, घर में ही हमारे पास सामान पड़े रहते हैं, उसमें से ही हमको लगाना है, यूज़ करना है, बिल्कुल सिंपल है ओनली। और इसको बनाने का तरीका भी मैं आपको बताती हूँ, सब बता दूंगी अभी आपको, लेकिन आप इसको अप्लाई ज़रूर करना। और ये हाथों में जो उसके साथ साथ हमको दो तीन बार तो उसको लगाना है, सोते समय स्पेशली लगाना है, लगा के सो जाओ। उसके बाद अपन को वैसलीन भी कंटिन्यू हाथों में वैसलीन लगाते रहना है, इससे हाथ ड्राई नहीं होंगे, रूखे नहीं पड़ेंगे और जो धरारे और ये सारी कटे फटे उसमें भी बहुत आराम आएगा। वैसलीन बहुत ही फायदा करेगी, मुझे भी बहुत ही फायदा हुआ है। वैसलीन मैंने ये वाली यूज़ की है, वैदिक की है, पेट्रोलियम जेली, ये बहुत ही फायदा करती है ये जेली, और इतनी अच्छी होती है, बहुत सॉफ्टनेस आती है इससे। आप इसे एनी टाइम तो इसे लगा के रखिए, और उसके बाद तीन टाइम जो है वो जो मैं आपको बना के दिखाऊंगी वो लगाना है आपको, ऑयल के साथ और खोपरे के तेल के साथ कपूर लगाना है। उससे ना आपके हाथ जो हैं कटे फटे उसका बिल्कुल परफेक्ट इलाज हो जाएगा। बर्तन धोने में एनी टाइम आप कुछ भी करो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको, ये बहुत ही अचूक इलाज है। मेरे हाथ इतने अब देखो कितने सॉफ्ट और कितने अच्छे हो गए हैं, पहले मेरे बहुत ही कटे फटे, बिल्कुल जगह जगह से इतने भद्दे लगते थे देखने में भी, और मुझे इतना दर्द होता था जिसकी मैं बता नहीं सकती हूँ मैं आपको। तो आप प्लीज़ देखिए लास्ट तक वीडियो, और ना किस तरीके से मैं बनाती हूँ और किस तरीके से अप्लाई करती हूँ आप ज़रूर देखिए, और आप भी यूज़ कीजिए, ठीक है? चलते हैं बनाने के लिए। ये सरस्वती नाम का कपूर है और ये है पैराशूट, तो इन दोनों के को मैं मिक्स करके लगाती हूँ। सब इसको कूटना पड़ेगा, इसे मैं कूट देती हूँ कटोरी में डाल के। इस तरह की टिक्कियाँ निकलती है, इसमें से इसको मैं कूट देती हूँ। मुझे इससे बहुत फायदा हुआ है, तो मैं चाहूंगी जिसके भी हाथ ऐसे हैं जरूर से ट्राई करें ताकि आपको भी फायदा मिल सके। इस तरीके से बिल्कुल से नहीं छूट लेना है। यहाँ पे इसमें मैंने पहले भी ना एक दो टिक्कियाँ लगाई है, तो इससे मुझे काफ़ी आराम है, इसीलिए उसके बाद ही मैं आपको ये नुस्खा बता रही हूँ। पहले मैं बहुत परेशान थी, अब मुझे काफ़ी फ़ायदा नज़र आ रहा है इसमें, इसलिए मैंने आपके साथ भी शेयर करना चाहा। नहीं तो पहले तो मैं बहुत कटे फटे मेरे हाथ थे, लेकिन अब मुझे काफ़ी फ़ायदा है, इसलिए मैं दूसरा भी बना रही हूँ ताकि ये जड़ से ख़त्म हो जाए। अभी पूरी तरीके से एकदम से ये कुट चुका है इस तरीके से। अब मैं इसमें नारियल का तेल डालूंगी, थोड़ा सा नारियल का तेल डालना है, ज़्यादा नहीं, ताकि ये इसमें बस मिक्स हो जाए। इस तरीके से थोड़ा सा ही डालना है, ज़्यादा डालेंगे तो इसका असर नहीं होगा, बस इतना ही डालना है
ज्यादा नहीं डालना है, इसको अच्छे से मिक्स होने देना है और ये अपने आप इसमें पिघल जाएगा। फिर इसे अपने हाथों में अप्लाई करना है इस तरीके से, जहाँ पे हमको निशान है, जहाँ पे कटा फटा है, ये 100% श्योर फायदा करता है। इस तरीके से हमें इसे लगा के रखना है, सोते समय या फिर जब हम काम नहीं कर रहे हैं उस समय लगाएं तो ये ज़्यादा फायदा देगा। जहाँ जहाँ मुझे प्रॉब्लम होती है मैं वहाँ लगा देती हूँ, अब मेरे हाथों में बहुत फायदा है इस तरीके से। और ये अपने आप पिघल जाएगा, बाकी जो है वो अपने आप धीरे धीरे पिघल जाएगा। और आप इसको ढक के रखें, ढक के जरूर रखें, क्योंकि खुला हुआ रखेंगे तो इसकी स्मेल निकल जाएगी और ये फायदा नहीं करेगा, इसलिए इसको किसी बर्तन से ढक के जरूर रखें। इस तरीके से हम ढक के रखेंगे, फिर एनी टाइम यूज कर सकते हैं। एक बार फिर से मैं आपको बता देती हूँ, इसमें मैंने कपूर की एक टिकिया डाली है, उसको बिल्कुल महीन कूट लिया है, ये आसानी से कूटती नहीं है इसीलिए इसके दाने दिख रहे हैं, लेकिन ये अपने आप इसमें पिघल जाएगी। एक टिकिया डाली है और उसमें एक या डेढ़ से चम्मच पैराशूट ऑयल मैंने डाला है, इसमें कोकोनट ऑयल डाला है। तो उसमें फिर अपन जहाँ पे अपन को प्रॉब्लम है वहाँ पे लगा सकते हैं, दिन में 2-3 बार लगा सकते हैं, जब हम सोते हैं उस समय लगाएं तो बेस्ट है, क्योंकि उस समय पानी में हाथ नहीं जाता है, ऐसे समय पे लगाना बिल्कुल बेस्ट रहता है। बाकी आप अब जितनी बार लगाओगे उतना जल्दी फायदा करेगा ये। तो देखा आपने किस तरीके से मैंने इसे बनाया और अप्लाई किया, तो आप भी ऐसा ही कर सकते हैं और अपने कटे फटे हाथों से छुटकारा पा सकते हैं। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ ज़रूर से लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। बाय।